अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको सॉफ्टवेयर अपडेट जो यहाँ पे वर्किंग प्रॉब्लम है इसमें कोई भी इशू आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या टिप्स को फॉलो करना चाहिए अगर आपको अपने डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट का वर्किंग इशू लग रहा है, तो पूरी कंप्लीट हम इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी प्रॉब्लम में, ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है कि जब भी आप यूज़ करते हैं अपने डिवाइस को एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर अपडेट के जो है ऐप में देखने को मिलती है, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का वर्किंग का प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप रियलमी का कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ी कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ, उनको आप यूज़ कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, देखिए ऐसा जेन्युइनली कब होता है, जब आप लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट को इग्नोर कर देते हैं, या फिर लंबे समय तक आप सॉफ्टवेयर को यहाँ पे अपग्रेड नहीं करते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उसको आप लंबे समय तक रख देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम सी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस की जो सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे डिवाइस की सेटिंग है, तो सिंपल हम यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जो है सिंपल टैप कर देंगे, और उसके बाद आपको ऐप का ऑप्शन मिलता है। सिंपल आपको ऐप के ऑप्शन को जो है सिंपल यहाँ पर टैप करना है, उसके बाद आपको ऐप मैनेजमेंट को यहाँ पर टैप करना है। थ्री डॉट पे टैप करना है इस तरीके से, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से थ्री डॉट पे टैप करना है, और शो सिस्टम पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सॉफ्टवेयर अपडेट को, ठीक है। ये देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक इसको इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे वो कर देना है, ठीक है। यूजर्स को क्लियर कर देना और फोर्थ स्टॉप को क्लिक कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है क्या करना है कि उसके बाद आपको सेटिंग को भी यहाँ पे फोर्थ स्टॉप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग को यहाँ पे फोर्थ स्टॉप करना है, इस पर क्लिक करके, और इस पर यहाँ पे आने के बाद आपको इसको क्लियर करना है और इसको फोर्थ स्टॉप इस तरीके से कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको फोर्थ स्टॉप करेंगे तो ये आपका सेटिंग पूरी तरीके से फोर्थ स्टॉप हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा कि आपको वापस से चले जाना है, ठीक है, ऐप में। और ऐप में जाने के बाद वापस से आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है, यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट को ऑलरेडी आपने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ अगर यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, तो इसको फिर से आपको क्लियर कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और फोर्थ स्टॉप तो ऑलरेडी है आपका, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको जो है इतना करने के बाद जो है आप जब इतनी मतलब सेटिंग्स यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार सिस्टम लॉन्चर को भी भाई एक बार फोर्स स्टॉप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये सिस्टम लॉन्चर मिलता है, इसको भी एक बार फोर्स स्टॉप आपको इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे फोर्स स्टॉप करना है। देख सकते हैं हमने फोर्स स्टॉप इसको भी कर लिया है। बैक लेना है आपको और इसको फोर्स स्टॉप यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं फोर्स स्टॉप ये हमने कर दिया है, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको फोर्स स्टॉप कर लेते हैं, देख सकते हैं फोर्स स्टॉप ये हो चुका है। तो इतना करने के बाद आपको अपने डिवाइस को एक बार यहाँ पे रीस्टार्ट कर देना है, देख सकते हैं पूरी सेटिंग रीस्टार्ट हुई। और यहाँ पे अपने डिवाइस को भी आपको रीस्टार्ट कर देना है, क्लिक करना है और रीस्टार्ट पर टैप कर देना है। और रीस्टार्ट को टैप करने के बाद फिर आप अपने डिवाइस का डेटा ऑन करके जो है सेटिंग में जा सकते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जा सकते हैं, उसके बाद चेकआउट कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि जो आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट तक कभी वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ टिप्स बताए इस वीडियो के थ्रू, कहीं ना कहीं जो है इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो कमेंट में बताइएगा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों, होपली आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।